Welcome to Canada TV. This is Amrit. And today, let's dive deep into the world of real estate, market strategies, and a lot of other factors that actually shape up in making a decision in what kind of a residential property or a commercial property you would want to buy or sell in the future. I have with me a very special guest. And I'm going to talk a lot, a lot about how a person who's coming to कैनेडा एज अ न्यू इमिग्रेंट वो किस तरीके से अपने पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमें शायद नहीं पता है लेकिन ये बखूबी जानती हैं आई हैव मी सुमिति मखीजा लेट्स वेलकम हर हाउ आर यू थैंक यू अमृत थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड दिस वॉज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन आई फील एंड रियल इस्टेट वॉट इज लैगिंग इज नॉलेज यस राइट एंड हाउ आई रियलाइज दैट एट समय वॉज अ न्यू इमिग्रेंट यस आई वॉन्टेड टू बाई अ हाउस I approached a couple of real estate agents. There were people showing us houses, but nobody was telling us anything. Everybody was like ghar lelo, ye wala lelo, wala lelo, mortgage ho but this was not enough for me. Mm -hmm. I wanted to know I'm in a new country. Yes. I'm buying the home for the first time. I want to know more. you are inquisitive about Kikese oga mm. can you tell me the steps mm. so नो बडी न्यू इट द फनी पार्ट वॉज किसी को पता भी नहीं था बताना तो दूर की बात किसी को पता हो जाएगा हो जाएगा अच्छा आप जिस तरीके के से बात कर रहे हैं कि किस तरीके के एजेंट्स आपको उस तरीके टाइम पे मिले थे इंडियन थे साउथ एशियंस थे आई हैव वर्क विद वाइट पीपल आई हैव विद इंडियन एजेंट्स है मेहनत करी आई नॉट आई वुड नॉट से कि हार्ड वर्क नहीं था हार्ड वर्क hmm. था बट मिसिंग पॉइंट था कि पता ही नहीं था hmm. कि क्या कर हाफ नॉलेज हाफ नॉलेज नो नॉलेज प्रोफेशनलिज्म मुझे पता था रियल इस्टेट ही करना है अच्छा सो बैक होम हिस्ट्री इज ऑल्सो रियल इस्टेट मी एंड माई हजबेंड ही वॉज ऑलवेज इन रियल इस्टेट पहले आप बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सो आई एम फ्रॉम टू प्लेसेज आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन अमृतसर ये एंड फॉर माई ग्रेजुएशन फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई वॉज इन डेली Mm -hmm. I studied in Delhi for a long time and then I got married in Delhi mm -hmm. and stayed in Delhi for a long time. So, both the places. So, Delhi in business you were completely, completely into real I estate. I was not completely into real estate. I was more like into renting, part to the mm -hmm. diplomats who used to come oh, to embassies. Nice. And my husband was in real estate for 20 years. Mm -hmm. We had the knowledge, but the knowledge was applicable. वहां पे चीजें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है जितनी यहाँ है वी वॉन्टेड टू वर्क विद द सिस्टम इन द दिस्टम एंड आई रियलाइज वहां से जो लोग यहाँ आकर रियल इस्टेट एजेंट्स बने थे hmm. वो दो लोग बने थे <laughs> एक जो लोग कोविड में एक्सीडेंटली बन गए hmm. के जॉब्स चली गई बहुत लोग मिलते हैं हमारी दुकान थी बंद हो गई तो हम रियल एस्टेट एजेंट बन गए hmm. एक तरीके से गलत चीज भी नहीं है बट देर इज अ स्ट्रिंग मिसिंग उस स्ट्रिंग के बारे में जरा बात करेंगे स्ट्रिंग मिसिंग ये है कि सिर्फ एग्जाम देने से लाइसेंस ले लेने से आप रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनते बिल्कुल सही बात है राइट देर आर ओवर सेवेंटी थाउजेंड रियल इस्टेट एजेंट्स इन जी टी गॉड जी टी जस्ट इन जी टी एउसाइड जी टी एज बोर्डेदर टोरटो रियल नंबर दैट दैट इज सो मीन एवरी किलोमीटर अवे इज अ रियल इस्टेट एजेंट इन जी टी ए फॉर यू बट हम ये कैसे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपको शायद होगी तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इतने रियल एस्टेट एजेंट्स तो हैं बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग पार्ट टाइम है वो अपने फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं और उन्होंने लाइसेंस ले रखा है शाम को अपने दोस्तों को बोलते हैं <laughs> घर दिला देंगे ऑफिस वालों को बोलते हैं घर दिखा दिखा देंगे और हर चीज़ की एक एक्सपर्टीज़ होती है तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा एक्जाम्पल लगता है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ कि क्या आप कभी पार्ट टाइम डॉक्टर से सर्जरी कराएंगे Hmm. क्या आप कभी पार्ट टाइम लॉयर से अपने पेपर्स रीड कराएंगे बिल्कुल नहीं तो आप एक पार्ट टाइम प्रोफेशनल के साथ कैसे काम कर लेंगे दिस इज अ प्रोफेशन यस जो ट्रांजैक्शन हो रही है इट इज़ अ मिलियन डॉलर प्लस ट्रांजैक्शन आप जब घर खरीदने निकले हैं आप अपनी जिंदगी की सबसे महंगी चीज खरीदने निकले हैं यस yes. आप मॉल में जाके एट हंड्रेड मिलियन बारह लाख का कोई शॉपिंग नहीं करते yes. तो इसका डिसीजन किसके हाथ में ये पेपर वर्क किसके हाथ में इसमें इतना लीगैलिटी hmm. इट hmm. जो पेपर वर्क है वो लीगल है यस एनी ऑफर यू मेक इज फर्म एंड बाउंड लीगली सो आई यू गोइंग टू लीव दिस डिसीजन टू टाइम नो राइट सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे एक दो डील सात hmm. साल में कर लेंगे एंड इट विल मेक गुड मनी बट यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड वी वर्क टू बी इन द इंडस्ट्री एग्जैक्टली ये हार्ड अर्न मनी जो है आई डोंट थिंक ये अग्रेशन ये उन लोगों के लिए दिखा रही है इट्स अग्रेशन फॉर द पीपल जिन बेचारों के वो पैसे हैं और वो उसे गलत जगह पे कहीं इन्वेस्ट ना कर दें आई थिंक ये उनकी राइट्स के लिए ज्यादा बोल रही हैं सो डोंट फील बैड नहीं नहीं डेफिनेटली इज यू बट आप एक तरीके के साथ थोड़ा आगे चलिए यू मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट शी कम्स विद अ ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपने पढ़ाई भी उस तरीके की की होगी आई एम श्योर सो मेरे को किसी ने लेटली पूछा दिस वॉज फनी आई मेट दिस का आप दिल्ली से हैं मैं भी दिल्ली से हूँ hmm. आपने क्या पढ़ा है hmm. तो मैंने बोला मैंने ग्रेजुएशन करी है पोलिटिकल साइंस में hmm. और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है पोलिटिकल साइंस अच्छा सो इट्स लाइक पांच साल ऑफ पोलिटिकल साइंस आई अ राइट करियर अच्छा यू आर इन रियल रियल इन रिलेटेड राइट सो आईली रिलेटेड पोलिटिकलोसिएशन दिस इज एक्सैक्टलीसपर्ट इनिएिव मी समील आई नो हाउ टू नेगोशियट द बेस्ट फॉर माई क्लाइंट बिकॉज दिस इज अर्विस इंडस्ट्री हमारे ना हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे करेक्ट हमने हमने सर्विस सर्विस देनी है हमने कितनी दी है कितनी दी क्योंकि लोगों को और हमें कुछ पच्चीस हजार डॉलर मिल रहे हैं उसके वो पच्चीस हजार डॉलर बनाने के लिए हमने मोर देन हंड्रेड कॉल्स करी थी मोर देन टेन अपॉइंटमेंट्स करी थी कहीं लोगों के कितने घर दिखाए थे तब जाके हमें वो Hmm. कई मिलता है ऐसा होता होगा कि कोई डील होते होते भी शायद रुक कई नहीं। बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है और कई बार ये भी होता है कि कभी फाइनेंसिंग नहीं हो रही कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई लेट बैक हो गया इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब लोगों को लगता है आप बिजनेस करते हो ना तो यू आर ऑन योर ओन कि अपना टाइम टेबल है जो मर्जी करो कभी hmm. भी छुट्टी <laughs> ले लो ऐसा नहीं है नाइन टू फाइव जॉब में एक फिक्स्ड आवर्स है हमारे तो कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं मैं ग्यारह बजे भी काम कर रही हूँ दो बजे भी काम कर रही हूँ तो हमारे लिए स्केडूल इज और बॉस स्ट्रेसफुल जॉब तो है एंड आई एम श्योर इनको इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता होगा बिकॉज शी लवइंगीज अबाउट चेक अ पेज आई एम बीन लुकिंग एंड आई एब्सोल्यूटली यू लव द वे यू टॉक अबाउट लोकल इशूज ग्लोबली जिस तरह की मैं बात करी थी ये इनके कुछ वीडियोज़ हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं एंड रियली डिस्कस कि क्यों आप कह रहे हैं कि अमृतसर इज सो हाइड

जो लोग यहाँ से पंजाब जाते हैं मैंने उनसे पूछा कि वाई इज दिस टॉपिक सो पोलिटिकली हाइप्ड इन कैनेडा कि अमृतसर फ्लाइट बननी चाहिए सो आई हैव अ फ्रेंड चीज फ्राम जलंधर तो कह रही सुमति जब हमें जलंधर जाना होता ना कैनेडा से तो हम पहले दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं फिर, फिर बस या टैक्सी लेके जलंधर जाते हैं अमृतसर बन जाएगा ना लाइफ विल बी सॉर्टेड अच्छा तो नाउ आई रियलाइज्ड कि ये क्यों बन रही है हाँ। तो मुझे लगा मैं इसको कैसे लाऊं टॉपिक हाँ। अब सिर्फ मैं फ्लाइट की बात करूंगी तो इट विल बी लाइक अ पॉलिटिकल टॉपिक राइट तो अमृतसर में खाने पीने की बहुत है सबसे बड़ी बात गोल्डन टेंपल के लिए सब Golden जाते हैं राइट दैट्स लाइक द बिगेस्ट थिंग फिर मैंने बोला खाने पीने की चीजें भी बहुत अच्छी होती mm. है द होल आइडिया वॉज टू कनेक्ट विद पीपल टू वेजमेंट आप इंगेजमेंट करते हो अगर मैं चार पाँच वीडियो अबाउट ट्रैवल बना रही हूँ घूमने की जगहें क्या है सिटी के बारे में जानो खाने पीने की जगह कौन है

इतना पावरफुल है कि इसकी अप्रोच का आप अंदाजा नहीं लगा सकते hmm. इतना पावरफुल है आज मैं वीडियोस बना के घर में बैठ जाऊँ आई गेट इन बाउंड कॉल्स वाह सो एज एन एजेंट हम आउट बाउंड कॉल्स करते हैं टू कनेक्ट विद क्लाइंट्स वॉट इफ़ यू स्टार्ट गेटिंग इन बाउंड कॉल्स दैट इज अमेजिंग राइट दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटजी आई थिंक एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड जो भी इस तरीके के बिजनेस में है किसी भी तरीके के बिजनेस में हैं आप आई थिंक आपको अपनी आवाज़ दुनिया तक तो पहुँचाने का तो सही तरीका चाहिए ना तो आज की डेट में सोशल मीडिया इज़ ट्रेंडिंग इट्स बूमिंग एंड यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट और जैसे हम अभी शो के पहले भी बात करे थे जो दिखता है वो बिकता है सो काफ़ी इन्फ्लुन्शल पर्सनैलिटी भी हैं ये आप प्लीज़ इनके पेज को फॉलो करिए इंस्टाग्राम इट्स वेरी सिंपल यू ऑल दैट यू हैव टू डू इज टाइप सुमति मखीजा एंड चील बी राइट दैर जी टी ए रियल्टर जी टी ए अगर मैं खुद जी टी ए की ही बात करूँ ओ माई गॉर इट्स इट्स ह्यूज बहुत लोग हैं जो आते ही सीधे ट्रोनो में जाना चाहते हैं जी में सेटल होना चाहते हैं आई एम पर्सनली मैं खुद वॉन में रहती हूँ एंड आई लव इट आई लव द होल इन्वायरमेंट लेकिन आप मुझे ट्रोनो के बारे में ये बताइए कि ट्रोनो इतना महंगा क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन इवन टू रेंट अ प्लेस लोग सबलीस कर रहे हैं रेंट कर रहे हैं इट्स जस्ट इट्स आउट ऑफ आउट ऑफ द बजट आई नो दिस इज़ ट्रू I would not deny the fact that For your information, one third of the population of Canada lives in Ontario. And most of in GTA. Yes. Right? If we look at Canada strategically on map, Ontario is the southern part. We are the warmest. Yes. Apart from British Columbia, which hmm. is on the Pacific <laughs> Ocean, that's a different weather altogether. But we are in weather condition. में. On top of that, Toronto is a financial hub फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कैनाडा ऑटवा बिंग द कैपिटल बट फाइनेंशियल कैपिटल टोटो है तो कहाँ पर अट्रैक्ट होंगे लोग जहाँ पर नौकरी मिल रही है जहाँ एम्प्लॉयमेंट हो रही है करेक्ट आप नए इमिग्रेंट आये हो अब आपकी नेसेसिटी है घर रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए <laughs> yes. राइट तो हम टॉप थ्री में आते हैं रियल इस्टेट घर सबको चाहिए अब घर में आपको क्या चाहिए न्यू इमिग्रेंट आके यहाँ पे खाना नहीं बनाना चाहता सफाई नहीं करना चाहता गाड़ी नहीं होती तो वो हाई राइज कॉन्डोज में रहते हैं राइट right? टोरंटो में रहते हैं नीचे उतरो बस या ट्रेन पकड़ो और काम पे चले जाओ यू वांट कन्वीनियंस छोटे हैं इजी टू मेंटेन है इसलिए ये सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आते हैं अच्छा तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ सबसे बड़े कॉन्डोज के इन्वेस्टर्स कौन है पता चाइनीज वाह द ऑल दीज हाई राइज यू सी डाउन टाउन ऑल दीज कॉन्डोज बाई चाइनीज और इंडिया मैं आपको अभी सॉरी टू इंटरप्ट ये काफी लोग बात करते हैं अब मैं बहुत ही लेमैन वाली बात कर रही हूँ बिल्कुल आई आई कैम विद नो नॉलेज अबाउट रियल इस्टेट ट्रस्ट मी एंड लोग ये बहुत बातें करते हैं कि जो चाइनीज लोग हैं ये आके प्रॉपर्टीज ले लेते हैं एंड दे गो बैक टू वेदर कम फ्राम इंडियंस भी यही करते इंडियंस भी यही करते अब तो इंडिया में भी बहुत पैसा है राइट नाउ इंडिया इज बूमिंग बूमिंग एट इट्स बेस्ट इवन अगर हम टेक्नोलॉजी की भी बात करें इंडिया काफी बूम कर रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा द क्यू आर कोड पेमेंट्स और इवन लाइक इंटरनेट इज ऑलमोस्ट फ्री यस राइट सो एवरीबॉडी द काइंड ऑफ वीडियोस यू सी कमिंग फ्रॉम इंडिया जो गांव से आ रही है विलेजेस से आ रही क्यों आ रही है यूज मोबाइल फोन दे सो so, रही बात लेट कमिंग बैक टू रियल स्टेट जो डाउनटाउन में चाइनीज ओन करते हैं hmm. तो आपको पता होगा वैंकूवर में भी चाइनीज आर वेरी बिग इन्वेस्टर्स इतना डोमिनेंट क्यों है मतलब अगर क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली थी बहुत जल्दी कि टोरंटो का अगर आप नाइनटीन नाइन्टीज की पिक्चर्स देखो इट्स यू विल जस्ट सी टावर एंड रॉजर सेंटर और अभी आप देखो इट्स फुल द लास्ट टावर कमिंग नाउ विच इज गोइंग टू फेस टावर टावर एंड द लेक वी फुल। तो उनको पता था की इमीग्रेंट्स आने हैं आपको फ्यूचर पॉलिसी देखनी है फ्यूचर पॉलिसी क्या थी आने वाले कुछ सालों yes. hmm. में हमें इमिग्रेंट्स लाने हैं यस इमिग्रेंट्स आके कहा रहेंगे एडजस्ट ओल्ड यू खॉन्डोज में खोंडोज में आते ही घर तो नहीं खरीदते लोग खोन्डोज में रहते कॉन्डोज में रहेंगे रेंट पे काम के पास रहेंगे ज्यादा ट्रैवल नहीं करा करना पड़ेगा वेदर कंडीशन भी ऐसी होती है गाड़ी नहीं होती है तो ये दिस मेक्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रेंट भी आएगा मार्केट भी अप्रीशिएट होगी दिस गाइज बॉट दिस कॉन्डोज फॉर टू हंड्रेड थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड विच आर लाइक मोर देन अ मिलियन डॉलर्स डे वाह दिस इज द काइंड ऑफ मनी दे मेड अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस क्यों बोला जा रहा है बार बार गवर्नमेंट भी बोल रही है हाउसिंग क्राइसिस क्यों है इमिग्रेंट ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन कम है क्योंकि यहाँ की सिटीज जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन पास नहीं करती है यहाँ पर ग्रीन एरियाज की कंजर्वेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जैसे नाइगराइज कार्पमेंट एरिया है बहुत सारे एरियाज हैं जिनको ये संभाल के रखना चाहते हैं बिकॉज वी आर अ वेरी रिच कंट्री इन नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो वी हैव एवरी थिंग द बेस्ट कैनेडा हैज़ द मोस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक्स है यहाँ पर hmm. तो दुनिया में पानी खत्म हो जाएगा फ्रेश वाटर कैनडा में नहीं होगा यू आर इन अ सेफ सेफ प्लेस प्लेस वी वी आर आर इन इन अ अ वेरी हैप्पी कंट्री यहाँ पे हर चीज लॉ के हिसाब से होती है मैं ये जानना चाहती हूँ कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ आपके क्लाइंट हैं जो आ, जो अभी स्टेजिंग प्रोसेस है जो अभी कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुई है जो प्रॉपर्टीज hmm. वो काफ़ी फेमस हैं आई थिंक क्लाइंट्स के बीच में आपके कितने परसेंटेज उस तरीके के क्लाइंट्स हैं सो वी डू अ लॉट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन और ये कौन लोग हैं सबसे पहली बड़ी, बड़ी बात होती तो है प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज भी हैं प्री कंस्ट्रक्शन घर भी है अगर मैं डिटैच डीटैच की बात करते हैं दो तरह के लोग लेते हैं डिटैच या टाउन हाउसेज या जो भी प्री कंस्ट्रक्शन में जो हाई राइज होती है वो चार पाँच साल में बनती है यूजली क्योंकि इट्स अ टॉल बिल्डिंग है लॉट ऑफ थिंग थो डी टैच वाली डिविजन एक डेढ़ साल में बन जाती है अच्छा टाउन हाउस और डीटैच वाली लेट्स से आज आपने घर लेना है और यू आर नॉट मॉर्गेज रेडी फॉर एनी रीज़न लाइक लेना तो है सेविंग तो है बट अभी मॉर्गेज नहीं लेनी एंड अ फर्स्ट टाइम होम बायर यू विल बाय दैट कि नेक्स्ट ईयर लोन लेंगे जी तो यू विल गो फॉर प्री कंस्ट्रक्शन दूसरा फायदा उसका ये है कि आज जो आपने ले लिया घर से आज आपने मिलियन डॉलर का घर बुक करा लिया आने वाले दो साल बाद वो आपको घर मिलेगा मार्केट उठ चुकी होगी आपका घर ऑलरेडी अप्रीशियेट हो चुका है बिफोर यू लिव इन इट वैसे आपका ज्यादातर इंटरेस्ट रेंटिंग साइड पे है या सेलिंग में है या

घर वही है, के बाहर एजेंट ने फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया और वो MLS पे hmm. yeah, साइन नहीं लगाया सिर्फ मैंने वो घर की स्टेजिंग कराई स्टेजिंग, स्टेजिंग, स्टेजिंग क्यों, yeah. क्यों कराते जब बाहर आता है तो वो अपने को इमेजिन कर सके वहां वो खाली घर है दूसरा और वो सेम डुप्लीकेट घर में सोफे लगे हुए हैं सुंदर सा बेडरूम लगा हुआ है दिस दैट यू ऑल गो थ्रू मतलब एक तरीके से आप एक ख्वाब दिखा देते हैं करेक्ट right. तो आपको वो हॉल में समझ नहीं आएगा मैं सोफा कहाँ रखूंगी और बेड कहाँ रखूंगी जब आप अंदर जाएंगे एज अ फैमिली यू विल सी योर सेल्फ लिविंग बैर राइट यू विल इमेजिन कि हाँ यहाँ खाना खाएंगे यहाँ ये सजाएंगे हमारी जो घर में पेंटिंग है ना वो यहाँ लगा लेंगे hmm. तो द बायर स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड सेकेंड फोटोग्राफी कराई जाती है वीडियोस बनती हैं फिर उसको हमारी मार्केटिंग एज यू सेड से सोशल मीडिया तो इज अ बिगेस्ट टूल वो होता है हम नेबर्स में जाके बताते हैं कि हम ओपन हाउस कर रहे हैं ओपन ओपन हाउस आप आप किस तरीके से करते हैं आप ये इट इज़ फॉर नेबरहुड नहीं नहीं, नहीं. तो ओपन हाउस का क्या दो रीजन होते हैं ओपन हाउस के एक्चुअली बहुत सारे रीजन होते हैं ओपन हाउस के बहुत फायदे हैं ओपन हाउस का मतलब ये होता है कि आज आपने घर लेना नहीं था hmm. आप किसी एजेंट से काम भी नहीं कर रहे बट यू आर जस्ट क्यूरियस किस घर में क्या है ओपन हाउस इज एन अपर्चुनिटी फॉर यू टू वॉक इट कि ये तो घर खुला है ओपन इट्स ओपन फॉर पब्लिक तो गो एंड सी के इस घर में क्या था आपको एक अंदर एक एक्सपर्ट मिलेगा जो एक रियल इस्टेट एजेंट है आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो नॉट ओनली अबाउट दिस हाउस बट फॉर एनी हाउस और एनी काइंड ऑफ रियल स्टेट क्वेश्चन बिकॉज आपको लगता है मैं अलग से कई मीटिंग करने जाऊँ लेट सी ही क्या हो सकता है राइट right? तो यूजअली नेबर्स को हम क्यों बुलाते हैं कि यहाँ पर ना बैक होम की तरह फैमिली नहीं है इफ यू सी द सेट यहाँ पर ना दोस्त बहुत 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 मायने रखते हैं। बहुत जरूरत है आपके कोई कजन हो hmm. आपके कोई दोस्त हो तो आप चाहते हो आप आस पास रहो हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि नेबर्स हमेशा अपने लोगों को बताते हैं कि मेरे घर के पास ना एक घर है ये घर है हाँ That's ये ले लो happens. Happens, yes. आज मेरे घर कोई गेस्ट आता ना बोलते सुमति आपका नेबरहुड ना बहुत अच्छा आपके आसपास कुछ सेल पे आएगा ना हमें जरूर बताना हाँ, ये आपने ये तो बिल्कुल रामबाण पकड़ लिया बिल्कुल आपने बिल्कुल <laughs> तो ये आ, हमने एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस है, भी देखा है और ओपन हाउस से क्या होता है कि नेबर्स ना आके कंपेयर भी करते हैं अच्छा जिसको नोजी नेबर्स बोलते हाँ। हैं अच्छा इनके घर में ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं हमारे घर में तो ऐसा है हाँ। कई बार क्या होता है वो डेकोरेशन देखे ना फोटोज ले जाते हैं कि हम भी अपना घर ऐसे सजाएंगे तो जब हम सेलर को रिप्रेजेंट करते हैं हमें सेलर का बेस्ट इंटरेस्ट देखना है वो है टॉप डॉलर सेलर का बेस्ट इंटरेस्ट है कि मेरा घर जल्दी बिके इन लेस टाइम एंड टॉप डॉलर्स बायर्स का क्या बेस्ट इंटरेस्ट है अब लेट्स से किसी और ने ओपन हाउस किया और मैं बायर्स एजेंट हूँ मैं घर दिखाने गई हूँ अब मेरे को बायर्स का बेस्ट इंटरेस्ट देखना है अब मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है डील oh. में बायर्स का बेस्ट इंटरेस्ट है बेस्ट फाइनेंसिंग बेस्ट प्राइस बेस्ट हाउस बेस्ट हाउस अब मुझे नेगोशिएट करना है <laughs> अब मुझे उसको सबसे मिनिमम पैसों में वही घर दिलाना है सो यू सू वेयर नेगोशिएशन कम्स इन कि नाउ द होल थिंग इज आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो oh. और रिप्रेजेंट हमें अपने क्लाइंट को करना है uh, अब क्लाइंट कौन है जिसने हमें हायर किया एज ए रियल एस्टेट एजेंट हम सबको तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो इसलिए बोलते हैं कि क्लाइंट को हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए क्योंकि हम उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे और, और बायर Absolutely. तो मिलते ही नहीं है एप्सिल्यूटी तो सेलर्स एजेंट और बायर्स एजेंट अपने अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और अगर मैं एक बायर को बहुत अच्छी डील दिला दूँ बहुत अच्छा घर दिला दूँ आप मुझे बताएं कि वो मुझे कितने लोगों से मिलाएंगे काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि सुमति ने मुझे बहुत अच्छा घर दिलाया था टू माउथ प्रमोशन तो बहुत ही टाइम से चली आ रही है उसका उसका कोई बीट नहीं उसका है। कोई बीट बीट नहीं नहीं है तो इसको बोलते हैं hmm. है हमारे लिए yes. क्योंकि जो क्लाइंट रेफर होकर आएगा ना वो आपसे लेने ही आया है लेने ही आया घर वो आप हो चुका है तो ये काम बहुत बड़ा ट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड है और ये ट्रस्ट बोथ वेज होना चाहिए मुझे क्लाइंट पे और क्लाइंट को क्लाइंट को आप पे करेक्ट बेसिकली बात ये है कि देखिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक बार का क्लाइंट बना लिया बना लिया इट्स ऑल्सो अबाउट रिटेंशन सो आई रियली लाइक द करियर दैट यू चूज चूज फॉर योर सेल्फ आपको ऐसा लगता है कि देखिए जब मैं कनाडा पहली बार आई थी ना तो मैंने जो सबसे पहली चीज देखी थी वो यही देखी थी कि हा या यहाँ तो हर जगह कहीं बेंच पे रियल एस्टेट की फोटो <laughs> लगी हुई है एजेंट्स की कहीं मैं देख रही बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं आई थिंक ये यहाँ के टॉप सेलिब्रिटीज से कम नहीं है जैसे बॉलीवुड में हम देखते हैं मुंबई जब हम जाते हैं तो वहां पे जिस तरीके के पोस्टर्स लगे होते हैं एक्टर्स के यहाँ आप लोगों के बड़े मैंने देखा है तो आई टेल यू दिस इज भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में मैं वही बताने लगी थी कि टोरोंटो रियल एस्टेट बोर्ड दुनिया का ऐसा बोर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा एजेंट्स है दिस इज वर्ल्ड बिगेस्ट बोर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंट्स तो एजेंट्स का काम क्या होता है टू बी आउट देयर अगर हम सत्तर हजार एजेंट लाइसेंस लेके ऑफिस में बैठ जाएंगे आपको कैसे पता आपको किसको मिलना है हाउ वुड यू चूज योर एजेंट तो ये बिल बोर्ड का फैशन आया कि चूज मी आई एम द नंबर वन एजेंट आई एम दिस मैंने इतनी सेल्स करी एडवर्टाइज करने लग गए राइट तो इन माय एरा आई थॉट कि बिलबोर्ड थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया फॉरमीट हो गया है आई कुड यूज सोशल मीडिया एज अ टूल टू रीच आउट बिकॉज मुझे लगता है बिलबोर्ड की बजाय लोग फ़ोन पे हैं मुझे ये भी लगता है कि अगर इंडिया से भी कोई आपको देखा है बिकॉज सोशल मीडिया तो ग्लोबली हो गया हाँ, है सही बिल बोर्ड तो चलो मैं कैनेडा में आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो जो आने से पहले ही प्रिपेयर कर जो तो आने से पहले करते हैं पेरेंट्स फ़ोन करते हैं Hmm. कि मेरा बेटा रह रहा है या मेरी बेटी रह रही है या हमारे बच्चे रह रहे हैं आप उनसे मिल सकते हैं wow. आप हम उन्हें घर दिला सकते हैं और ऐसा हुआ है अच्छा और ऐसा हुआ है और अभी फिलहाल वेरी रिसेंटली एक डेवलपर ने मुझे फोन करा Achha. जो हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं गुड़गांव wow. में टॉप डेवलपर कैन यू प्रोटू एन आर आई ऑडियंस बिकॉज योर ऑडियंस इज यू एस एंड कैनेडा कैन यू प्रमोट अस नाउ वी आर कलेबरेटिंग विद दुबई अच्छा कि उनको भी तो यहाँ के लोग चाहिए यहाँ के लोग यहाँ नहीं चाहिए और जगह पे भी चाहिए सो so, जब हम बिलबोर्ड लगाएंगे आज हमारा स्टील्स पे बिलबोर्ड बोर्ड लगा हुआ लेट्स से स्टील्स पे बिलबोर्ड बोर्ड लगाया तो सिर्फ जो लोग स्टील्स पे जा रहे हैं वही देख रहे हैं सिर्फ वही देख रहे हैं राइट एक्चुअली टू बी ऑन मेरी वीडियो ग्लोबल है जितने मर्जी लोग देख ले ये इज नो एंड टू इट यस एंड देर इज द अप्रोच इज सो हाई दैट एनी एनी एवरी एंड एवरी पर्सन आर मीटिंग इन अ डे आई हैव सीन यू

कि ये चाहिए ये बहुत अच्छा है पहले दिन से पैसे बना रहा है राइट अच्छा। सो right? so, वो उनके लिए है कि हैदर पीपल नॉट बट ये लोग मुझे पता है क्यों पता है मुझे क्योंकि जब मैंने इनको घर दिलाया था मुझे एग्जैक्टली exactly पता, yes. exactly पता इनका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्या है मुझे एक्जैक्टली पता इनका माइंड सेट क्या है इनकी नीड्स क्या है इन्होंने दो साल पहले घर लिया था अब इनके घर में भी सेविंग्स हो रखी है अप्रीशियट <laughs> हो रखा है एंड इफ आई टेल दिस ऑपरचुनिटी आई डोंट वॉन्ट फैमिली को पहले बताई जाती है अपर्चुनिटी तो क्लाइंट्स तो फैमिली की तरह है तो हाँ। उनके साथ तो हमेशा इन टच रहते हैं जैसे आ, हम लिस्टिंग की बात करते कि घर बेचना है तो सबसे पहला जब घर की वो मीटिंग होती है ना बेचने की वी टॉक अबाउट रिपेयर्स कि जो घर में टूटी फूटी चीज़ें कई बार छोटे माइनर चीजें होती है जो बायर आएगा ना वो आके नेगोशिएट करेगा कि आपका ये पेंट ठीक नहीं है थोड़ा पुराना लग रहा है आपका दरवाज़ा थोड़ा सा ढीला है कई फ्लिम्जी हो रहा है क्लॉज डोर कई ये हो रहा है तो हम सबसे पहले फिक्स कराते हैं सब कुछ बिफोर यू इवन स्टेज द हाउस फिक्स एवरीथिंग फ्रेश पेंट मेक्स अ बिग अपील जो एंट्रेंस होती है उसको कर्ब mm. बोलते हैं कर्ब अपील कि वहाँ आज के मौसम में फ्रेश फ्लावर्स लगे हों वेलिको मैनिक्योर्ड लॉन हो कितना सुंदर लगेगा वो घर आप घर में घुसने से पहले कहोगे कि वाह दिस इज अ नाइस हाउस दिस इज वॉन्ट वॉट वी बॉन्ड तो हम वी हैव अ टीम ऑफ हैंडीमैन एक नहीं कहीं अच्छा okay. कई बार कुछ सही कराना हो तो और कई बार क्लाइंट्स ने घर लिया हमसे हाँ. दो साल पहले भी लिया तीन साल पहले भी लिया सुमिति डू यू नो एनी प्लमर है यू गो यू तो इसको ना हमने बोला कौन है कौन सर्विस वी हैव एवरी थिंग फॉर यू कई बार तो मैं बोलती हूँ आपको कुछ भी चाहिए हो मुझे फोन कर दो सुमिति कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए आज हम डाउन टाउन जा रहे हैं

इज़ अ फैमिली एंड आई एम श्योर आपकी तो बहुत बड़ी फैमिली होगी कैनेडा में हाउ डू यू फील डू यू फील ओवरवेल समाइम्स आई एक्चुअली डू मुझे लगता है कि अब ना इट्स नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग एक्चुअली पहले भी नहीं था अबाउट बाइंग एंड सेलिंग अब तो बिल्कुल भी नहीं है इट्स अबाउट हेल्पिंग हेल्पिंग इट्स अबाउट हेल्पिंग अदर्स एक आप किसी का हाथ थाम लो ना यहाँ पर वो इतना थैंकफुल हो जाता है बंदा वो काम हुआ या नहीं हुआ वो मेरे को मैटर भी नहीं करता बिकॉज अगले को आपने जो इमोशनल सपोर्ट दी है hmm. मेरे को ऐसा लगता है तो हमने क्या करा आई टेल यू टू सॉल्व दिस इशू हमने ना एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स प्रोग्राम बना लिया ओ oh. हमें लगा कि जो लोग दूसरी बार तीसरी बार इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना उनको पता है वो क्या कर रहे हैं दे आर गुड विद नंबर्स दे नो वर्ट दे आर डूइंग बहुत साल से रह रहे हैं जो पहली बार लेता है ना उसको पता नहीं वो क्या कर रहा तो जो हमने पहले नॉलेज की बात करी उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना दिया

क्या आप अफोर्ड कर सकते हो का क्या मतलब है कि आपने अपनी सारी इनकम थोड़ी मॉर्गेज में डाल देनी है बिल्कुल नहीं और भी खर्चे करने हैं ग्रोसरी भी लानी है घर भी चलाना घर है खाली थोड़ी नहीं रखना है उसको भरना भी है नहीं नहीं और सिर्फ घर में सपोज घर इज नॉट द अल्टीमेट गोल तो आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स की दो चीजें होनी चाहिए घर लेने से पहले मेंटल प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल प्रिपरेशन आई नो कई लोग तीन साल से पैसे लेके बैठे हैं पर मेंटली प्रिपेर नहीं है

घर वाले क्या बोलेंगे पता नहीं क्या ले लिया तुमने तुम्हें समझ नहीं, नहीं ये है तो सही बात है तो इसमें ना इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होती है बहुत सब चाहिए होती है हमें उनका हाथ ऐसे थाम के रखना पड़ता है कि पेशेंस रखो विल गेट समथिंग गुड फॉर यू जल्दबाजी में मत लो फोमो में मत लो कि दूसरों ने ले लिया मैं रह गया फोमो में बहुत लोग बहुत लोग ले लेते हैं अब जैसे फोमो से मुझे लगा कि टू थाउजेंड में ना बहुत बहुत ज्यादा हाई मार्केट इट अ लॉट इतना ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही थी बिडिंग हो रही थी आज की डेट में 2024 में मार्केट में असाइनमेंट डील्स है <laughs> वो क्या होती है कि जब आपने तब लिया था आज आप क्लोज नहीं कर पा रहे एंड यू आर ट्राइंग टू असाइन इट टू समी एल्स के आप ले लो क्यों क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद ली उस टाइम आपको फोमो हो रहा था कि सब ले रहे हैं मुझे भी लेना है yes. तो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं ले सकते रियल एस्टेट में बिल्कुल इसलिए हमें वी वांट टू होल्ड देयर हैंड्स काम देम डाउन कि नहीं ये नहीं कि अंदर गए वाओ आई एम बाइंग दिस नो 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 let me get the inspection done for this hmm. let me see ये structurally sound है कि नहीं right तो there a lot of things के जो हमें दिख रहा है वो buyer emotional है उनको नहीं दिख रहा ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है और इनफैक्ट ये कंज्यूमर की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप अपने रियलटर्स से ये सारी बातें करें और खुद भी इनक्विजिटिव हो के ये सब सवाल करें <laughs> और अगर बिल्कुल ही नहीं पता तो आपको हमेशा गाइडेंस देने के लिए समेत this always there ऑल्सो ये लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगी एज एन इंडियन जो मैं इमिग्रेंट हूँ यहाँ नई हूँ एक साल ही हुआ है ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है वंस अगेन इंडिया की आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया वहाँ चाचा मामा ताया सब लोग बैठे हैं हेल्प करने के लिए यहाँ तो बस सुमति जी है <laughs> uh, इंडिया में जो मेरे पैसे मैंने अगर बचा के रखे हैं वो किस तरीके से हाउ वी कैन ब्रिंग ब्रिंग इट योर और कैसे हम फाइनेंसिंग कर सकते yeah, हैं या फॉर श्योर सो फर्स्ट टाइम होम बायर यूजअली बैक होम हेल्प लेते हैं इज़ वॉट आई हैव सीन आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट बहुत कम लोग हैं यंग लोग जो इतने पैसे सेव कर पाते हैं बिकॉज चैलेंजेस हैं यहाँ वी कैन नॉट डिनाई दैट आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड हियर इंडिया आपने वन मिलियन डॉलर्स का कुछ लेना है वन मिलियन डॉलर्स इन इंडियन करेंसी मीन्स सिक्स करोड़ सिक्स एंड हाफ करोड़ आपको पूरे पैसे डाउन करने हैं जी ऐसे ही लेते हैं ना इंडिया में सारे पैसे देने पड़ते हैं <laughs> यहाँ पे ये लेवरेज है लेवरेज है इसको लेवरेज बोलते प्लस पॉइंट कि आप दस परसेंट मिनिमम डाउन करके घर ले सकते हो लेस देन अ मिलियन डॉलर आप 10 दस परसेंट डाउन करके, करके घर ले सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है लोग बोलते हैं नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है जो इंटरेस्ट रेट है छह परसेंट जो आपका रेंट जा रहा है ना वो हंड्रेड जा रहा है बिल्कुल तो ये छः सात परसेंट इज बेटर थिंग बिकॉज रेस्ट इज गोइंग टू वर्स योर हाउस एंड यू आर जिस दिन आप घर ले लेते हो ना इतनी मेंटल सिक्योरिटी आ जाती है ना कि नाउ आई फील सेटल्ड यस टू कैरी ऑन विद क्वेश्चन हाउ टू गेट मनी आई सेनी फ्रॉम द पेरेंट्स अगर आपने वहाँ एफ डी तोड़ के लेकर आया हाँ, एफ डी किसी भी तरीके की तो भी जो ही आप ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो hmm. अगर आप जनरली किसी और बैंक से अपने लेट से यहाँ के आर बी सी टी डी में अपने बैंक से ला सकते हो थोड़ी सी फी कटती है hmm. पर डॉलर के हिसाब से वो भी जी, ला सकते हो बट इट्स नॉट बैड नॉट बैड इट्स स्टिल अ गुड डील बिकॉज कई बार लोगों के पास वहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है इंडिया में और यहाँ पे एक भी घर नहीं बना बना पा रहे हैं <laughs> क्यों नहीं बना पा रहे हैं हमारे तो पैसे ही वहां लगे हैं hmm. तो इवन इफ यू सेल वन थिंग यू विल गेट योर डाउन पेमेंट हियर वेरी इजीली तो ऐसा है और यहाँ पर ना आई सी आई सी आई बैंक भी है तो वी हैव अ मॉर्गेज एजेंट फ्रॉम आई सी आई सी आई बैंक तो दिस इज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि आई सी आई सी आई बैंक इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा है अच्छा और वो इंडियंस की इतनी हेल्प करते हैं मॉर्गेज में पैसे लाने में कई बार वहाँ की एसेट्स को भी काउंट करते हैं

जहाँ पे आपकी हर किस हर तरीके से हेल्प हो सकती है इनके हस्बैंड भी बाय द वे ही इन टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मस्ट मस्ट कंसिडर दिस पावर कपल इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आप और आपके हस्बैंड एक और बार इस पॉडकास्ट

एक बार अपने ऑडियंस के लिए एक मैसेज कह दीजिए वही वो इसी तरीके से जैसे आप अपनी रील्स में करते हैं <laughs> नहीं आई ऑलवेज टल माई ऑडियंस के कभी डरना नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या कम है ठीक है आज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था प्रॉपर्टी प्राइस कम थे कल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा प्रॉपर्टी प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे ये कैलकुलेशन न्यूज़ चैनल्स पॉलिटिक्स में डोंट गेट इन्वॉल्व मेक योर ओन डिसीजन बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत अच्छे एजेंट्स नहीं है बहुत अच्छे एजेंट्स हैं मार्केट में बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं बहुत सीनियर लोग हैं आई टोटली रिस्पेक्ट दैम लाइक सम ऑफ देम आर माई मैंटोर्स आई फॉलो दैम आई आई टेक गाइडेंस फ्रॉम दैम हर चीज़ में आपको एक सीनियॉरिटी लेवल का कोई प्रोफेशनल चाहिए जो आपको गाइड कर सके सो डोंट हेजिटेट टू कॉल अ रियल इस्टेटेटेटेटेट एजेंट इफ़ यू हैव क्वेरीज बिकॉज आपको लगता है आप लॉयर को फ़ोन करेंगे तो वो फ़ीस चार्ज कर लेगा <laughs> तो जब आप हमें फ़ोन करेंगे वी डोंट चार्ज यू एनी थिंग इवन इफ यू कम एंड मीट अस एंड डोंट बाई एनी थिंग एंड यू स्टिल टेक आर गाइडेंस वी डोंट चार्ज यू एनी थिंग सो फॉर एवरीबडी टू नो बायर्स एजेंट सेलर्स एजेंट वी डोंट लाइक एटलीस्ट आई डोंट आई आई कैंट कमेंट ऑन अदर्स वी हैव बट आई डो नॉट चार्ज टू मीट हेजिटेट मत करिए कोई भी सवाल है कोई कंफ्यूजन है ये मत सोचिए कि आई माइट साउंड स्ट्यूपेड इट्स ओके शी माई टीवन गिव यू बेटर बेटर सजेशन्स और जिस तरीके से आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही हैं आज नहीं तो आगे आने वाले दो साल में वो जो घर जिसकी आपने यू न ख्यालों में आपने एक ख्याली पुलावा बना लिया था वो बिल्कुल अब थाली में परोस देंगे आपके लिए एंड डू फॉलो हर हर पेज इज़ सुमति मखीजा द रिजल्ट ऑफ जी टी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कैनेडा टी वी थैंक यू सो थैंक यू अमृत थैंक यू सो मच थैंक यू